सो दोस्तों कैसे हो। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे एसस के एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स में, पर किसी ने आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड के बारे में नहीं बताया होगा। तो आज मेरे बात करने वाले हैं कैसे हम पिक्चर इन पिक्चर मोड को एनेबल करके अपने एसस के ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 हो गया, M2 हो गया, या एसस का ज़ेनफोन 5G या कोई भी एसस का फोन जो कि एंड्रॉयड 8.0 ओरियो पे रन कर रहा है, तो कैसे हम उसमें पिक्चर इन पिक्चर मोड को एनेबल कर सकते हैं, देन उसे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इसके बारे में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो आप एसस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1, M2 या 5G यूज करते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो एसएस की एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैंने इस बार 100 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, और 100 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं एसएस पे बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए इधर बात करते हैं भाई, पिक्चर इन पिक्चर मोड है क्या। पिक्चर इन पिक्चर मोड एक ऐसा फीचर है जिससे आप कोई भी वीडियो रिसाइजेबल विंडो में प्ले कर सकते हैं। आप किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो आप उसको रिसाइजेबल विंडो में ले सकते हैं, और मल्टीटास्किंग इससे थोड़ी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो मेरा ये एसएस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो एंड्रॉइड 8.1.0 ऑडियो पे रन कर रहा है, तो इसमें पिक्चर इन पिक्चर मोड का फीचर डेफिनेटली काम करने वाला है। अब चलिए बात करते हैं भाई पिक्चर इन पिक्चर मोड एनेबल कैसे करें। सिंपली आपको अपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इधर जाना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में। ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में जाने के बाद ये भाई एडवांस पे क्लिक कर दो आप। एडवांस पे स्पेशल ऐप एक्सेस पे फिर क्लिक कर दो भाई। बहुत से ऑप्शंस है इधर, आपको पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं इधर पिक्चर इन पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। तो इधर आपको बहुत सी एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी जो पिक्चर इन पिक्चर मोड को सपोर्ट करती हैं। पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे क्लिक करो, टॉगल ऑन कर दो, तो इधर पिक्चर इन पिक्चर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। सारे एप्लीकेशंस के लिए मैंने पिक्चर इन पिक्चर मोड को एक्टिवेट करके रखा है। अभी हम जानेंगे एक एक एप्लीकेशन में कैसे हम पिक्चर इन पिक्चर मोड यूज करेंगे। तो चलिए इधर जानते हैं कैसे हम VLC मीडिया प्लेयर में यूज कर सकते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड को। तो इधर है हमारा VLC मीडिया प्लेयर, डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। स्वाइप लेफ्ट आपको करना है, इधर आपको जाना है प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद इधर आपको बैकग्राउंड PIP मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आप इधर क्लिक करो, इधर प्ले वीडियोस इन पिक्चर इन पिक्चर मोड पे क्लिक करो, तो इधर आपका पिक्चर इन पिक्चर मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं इधर एक वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया और मैं सिंपली इधर होम बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये वीडियो अभी रिसाइजेबल विंडो में आ चुका है। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं अभी ये वीडियो प्ले हो रहा है। तो पिक्चर इन पिक्चर मोड का फायदा क्या है कि भाई मैं इधर इंस्टाग्राम चला रहा हूँ तो मैं ये वीडियो भी देख पा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। चलो इधर अभी बात करते हैं व्हाट्सअप के बारे में। भाई व्हाट्सअप में क्या पिक्चर इन पिक्चर मोड सपोर्ट करता है? तो जी हाँ, PIP मोड सपोर्ट करता है, व्हाट्सअप में सपोर्ट करता है। जब हम इधर वीडियो कॉलिंग करते हैं तो मैं आपको वीडियो कॉलिंग करके इधर दिखाता हूँ। तो बाजू के रूम में मैंने अपने दोस्त को भेज दिया है, अभी इधर वीडियो कॉलिंग चल रही है। तो मैं सिंपली इधर होम बटन पे क्लिक करूंगा, तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि अभी भाई व्हाट्सअप पे भी मैं इस PIP मोड का फायदा उठा पा रहा हूँ, वीडियो कॉलिंग देख पा रहा हूँ। चलिए इधर बात करते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं गूगल ड्यू में। तो गूगल ड्यू में भी सेम प्रोसीजर है। सिंपली मैंने गूगल ड्यू की भी डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, जो कि द बेस्ट वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है वीडियो कॉलिंग के मामले में। सिंपली आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है या किसी को भी, फिर जब वीडियो कॉल में हो तो सिंपली इधर होम बटन पे क्लिक करना है और इधर आपका वीडियो कॉल इधर आ जाएगा। फिलहाल मैं वीडियो कॉल में नहीं हूँ, पर गूगल ड्यू में भी सेम प्रोसीजर है। चलिए गूगल मैप्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली आपको अपने इधर मैप्स एप्लीकेशन में जाना है, गूगल मैप्स में जाना है, इधर सर्च पे जाना है। भाई लोकेशन सेलेक्ट करो अपनी, किधर जाना है। चलो मैं इधर होटल पे जाता हूँ, और इधर सिंपली इधर आपको डायरेक्शंस पे सेलेक्ट करना है। डायरेक्शंस पे सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर डेस्टिनेशन मतलब ये स्टार्ट करना है। तो इधर आ चुका है, अभी मेरे को गूगल मैप्स डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अभी मैं इसको PIP मोड में कैसे लूँगा, मैं दबाऊँगा इधर होम बटन। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इधर छोटा सा विंडो बन के आ चुका है जो कि स्पेस ले रहा है और मुझे इधर बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, जो कि सही है। और PIP मोड ऐसे यूज़ करते हैं गूगल मैप्स में। बाकी इसी तरह इन एप्लीकेशंस में PIP मोड यूज़ किया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एसएस की एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 100 लाइक्स का टारगेट रखा है तो लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।